अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने कमेंट करके हमें बताया कि कलीदार जुबा बनाने का तरीका, देखिए तो कली हो गई है या आस्तीन हो गई है, कि फ्रंट बैक। तो सबसे पहले हम पैकेट के लिए इसको इतना मोड़ लेंगे, पैकेट के लिए मोड़ लेंगे। ऊपर का हिस्सा है, इधर भी हम सिलाई मारेंगे ऊपर के हिस्सा में। अगर दोनों तरफ से नीचे का हिस्सा मार देंगे तो क्या है कि दो तरफ का हो जाएगा। अब ये म्यानी को इसमें लगा देंगे। क्या करेंगे, पहले कॉलर को चिपका लेंगे, कॉलर को कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद कॉलर को चिपकाने के बाद फिर इसको स्टिचिंग मारेंगे। सबसे पहले इसका कॉलर कट करेंगे। कॉलर 16 इंच है तो ये मैंने डबल कपड़ा लिया, कॉलर में डबल कपड़ा है, स्ट्रिप डबल रहेगी। जुब्बा में कभी भी स्ट्रिप डबल ही रखिए। कॉलर पे अच्छे से चिपका लेंगे। सामने का पैकेट रहेंगे। हम इसको उतना रख लेंगे। ये 1.5 आ गए, दोनों पल्ला नाप लेंगे। अब यहाँ पे 5.25 रहेंगे। सबसे पहले फरन पल्ला का ताबीज बनाएंगे। ये 12.5 इंच पे मैंने इसको कट कर लिया है। ये बटन पट्टी भी खाली इसको खोलेंगे और एक दाब मार्जिन अंदर डाल के स्टिचिंग मारेंगे।
यहाँ पे एक किनारे का सिलाई लगा लेंगे। अंदर डाल लेंगे। इसका पॉइंट पहले इतना फोल्ड कर लेंगे, फिर तो इसके बाद इस तरह फोल्ड करके देख लेंगे पॉइंट सही आ रही है या नहीं। फिर तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। से 8.5 इंच पे पैकेट लगाएंगे। ये अब बैक पल्ला, ये फ्रंट पल्ला ऐसी इसी तरह रखेंगे, सीधा में रखेंगे और इस तरह बैक पल्ला लेंगे। यहाँ पे सुल्तानी मोड़ देंगे। एक दाब फोल्ड करेंगे यहाँ पे। कॉलर बनाएंगे, कॉलर लगाएंगे। इसको कट कर लेंगे कॉलर का हाला यहाँ से गोल कट करेंगे। ये देखिए परफेक्ट आ रही है। इसको नीचे का हिस्सा उल्टा रखेंगे। अब कॉलर को इस तरह लेंगे, एक दाब का मार्जिन लेंगे सिलाई मारते हुए।
कलर कंप्लीट हो गई, बिल्कुल गोल बैठी है, इसमें थोड़ा बढ़िया से लग जाएगी तो और अच्छा बैठेगी। वीडियो बहुत लंबी हो रहा है, इसका दूसरा पार्ट मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, इसके आगे का कली बनाना और कली लगाना, क्योंकि लोग ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं, 5 से 6 मिनट या 4 मिनट लोग वीडियो देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए 2 या 3 पार्ट हो जाएगी, लेकिन पूरा कंप्लीट आपको दिखा दूंगा।